ए इंसान, तू अपने परवरदिगार की तरफ पहुंचने तक खूब तकलीफ उठाता है, फिर तू उससे जा मिलेगा। अब जिसका नामा आमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा, उससे हिसाब आसान लिया जाएगा और वो अपने घर वालों में खुश खुश वापस आएगा। और जिसका नामा आमाल उसकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा तो वो मौत को पुकारेगा और दोजख में दाखिल होगा। वो अपने अहलो आयाल ही में मगन रहता था, वो तो ख्याल करता था कि अल्लाह की तरफ लौट कर न जाएगा। क्यों नहीं, उसका परवरदिगार तो उसको देख रहा था। सो मैं शाम की सुर्खी की कसम खाता हूं और रात की, और जिन चीजों को वो इकट्ठा कर लेती है उनकी, और चांद की जब वो पूरा हो जाए, कि तुम लोग दर्जा बदर्जा जरूर चढ़ोगे। तो इन लोगों को क्या हुआ है कि ईमान नहीं लाते, और जब इनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो सजदा नहीं करते, बल्कि काफिर झुटलाए जाते हैं। और अल्लाह उन बातों को जो ये अपने दिलों में छुपाते हैं खूब जानता है। तो इनको दुख देने वाले अजाब की खबर सुना दो। हां, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके लिए बेइंतहा अजर है।